हेलो एंड वेलकम बैक टू माय गराज। और आज इस गराज के अंदर मैं एक लैम्बोर्गिनी लाने वाला हूँ। एक्चुअली गराज के सामने ऑलरेडी एक लैम्बोर्गिनी खड़ी हुई है, पर्पल कलर लैम्बोर्गिनी विद गोल्डन टायर्स। भाई क्या ही एपिक दिख रही है ये गाड़ी। और इस गाड़ी को हमने पिछले एपिसोड में रिपेयर किया था, एकदम टूटी फूटी कंडीशन थी इसकी। इसमें सारे लैम्बोर्गिनी के ओरिजिनल पार्ट्स लगाए हुए हैं। मैंने गाड़ी के अंदर बैठते ही यहाँ पर पोर्श का स्टीयरिंग व्हील है। ओके, इतना भी नहीं दिखाना था। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ पता है, ऐसी एक टूटी फूटी लैम्बोर्गिनी लाएंगे एकदम रेयर वाली, और उसको इस गराज के अंदर रिपेयर करके हम करोड़ों रुपए में बेच देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे जंकयार्ड जाना पड़ेगा। इधर मैप में हम देख सकते हैं बहुत सारी चीजें यहाँ पर जाने के लिए। यहाँ पर कार ऑक्शंस भी हो रहा है, तो ऑक्शन में जाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस है। सबसे पहले कोवाल्स्की वाले में जाते हैं। ओ भाई सारी गाड़ियां तो यही पर खड़ी है। ये देखो लैम्बोर्गिनी ह्यूरकान जो हमने पिछले एपिसोड में रिपेयर की थी। और ये क्या है भाई, रेड गाड़ी में ग्रीन कलर का फेंडर। ओ माय गॉड, ये कौन सी गाड़ी है यार, ये तो फरारी लग रही है शायद। एक्चुअली इसके ऊपर क्लिक नहीं कर सकता, लेकिन ये गाड़ी क्या मस्त लग रही है। इसका कलर देखो यार, मरून कलर है, और ये फुल कार्बन फाइबर की बनी हुई है इसलिए ऐसे चमक रही है यार। ये पगानी है शायद। वो देखो उधर भी एक सुपर कार है, और ये लैम्बोर्गिनी है या फिर ये मज़दा है। नहीं, ये तो जैगवार लिखा हुआ है पीछे, ये जैगवार की गाड़ी है। ये और एक लैम्बोर्गिनी है। ये तो गलार्डो है भाई, लैम्बोर्गिनी गलार्डो, ये सबसे रेयर कार है यार। और ये पीछे से भी क्या मस्त दिख रही है यार, ये तो मुझे खरीदनी पड़ेगी आज तो। और ये तो सिर्फ एक ही शॉप था, यहाँ पर बाहर जाके देखो मल्टीपल शॉप है यहाँ पर, बट सैडली मैं इसके बाहर जा नहीं सकता। ओके, गेम ने मुझे बांध के रखा है यहाँ पर। ये रही, ये पगानी है, मेरे को लग रहा था कुछ तो है वो। ये देखो भाई पगानी यार, क्या मस्त दिख रही है ये। और ये तो ग्रीन कलर में है, वो तो मरून में थी। सारी गाड़ियां बदल गई बे, तो जेम्स बॉन्ड की गाड़ी आ गई इधर। भाई पगानी भी हम लेंगे, लेकिन आज मैं लैम्बोर्गिनी गलार्डो लेने आया हूँ। पगानी जो है 78 की और गलार्डो सिर्फ 25 की है। भाई इसी को खरीद लो का, यहाँ से ऑक्शन स्टार्ट होता है एक्चुअली, बट ये तो रेडीमेड गाड़ी है, इसमें क्या रिपेयर करूंगा मैं। एक काम करते हैं, जो दूसरा था ना सैलवेज कार्स, यहाँ पर जाके गाड़ियां ढूंढते हैं। यहाँ पर गाड़ियां बहुत सस्ती है यार, ये देखो मज़्डा RX-7 सिर्फ 2000 में। किधर है मज़्डा? ओ तेरी, ये मज़्डा है भाई, ये तो क्या पूरा इंजन विंजन सब कुछ निकला हुआ है इसका, इसीलिए सस्ते में मिल रही थी। भाई थोड़ी आजू बाजू देखो यार, कितनी सारी गाड़ियां ऐसे ही पड़े हैं। ये भी शायद से सुपर कार ही होगी कोई, तो ये गेम मुझे आगे जाने नहीं दे रहा है। मतलब इन शॉर्ट ये भी पूरा एक जंकयार्ड ही है। और वो जो पीछे टेंट देख रहे हो, वहां पर हमने पगानी देखी थी। नहीं, मैं तो लैम्बोर्गिनी लेने आया था यार, अभी मज़्डा नहीं लेना। ये देखो लैम्बोर्गिनी ह्यूरकान है, यहाँ पर 1 स्टार की है और पूरी टूटी फूटी गाड़ी है यार, मतलब कुछ भी नहीं बचा इस गाड़ी का। ऐसी कंडीशन में गाड़ी लाई थी हमने पिछली बार, और पूरा रेनोवेट कर दिया था। भाई गलार्डो इधर दिख नहीं रही है, कार ऑक्शन में तो गलार्डो नहीं मिला, इसलिए मैं जंकयार्ड में जा रहा हूँ अभी। ये रहा जंकयार्ड, आ चुका है। तो यहाँ पर भी कहीं पर भी लैम्बोर्गिनी नहीं दिख रही है। इतनी सारी गाड़ियां है लेकिन एक भी लैम्बोर्गिनी नहीं है इनमें से। ये तुम्हारा गलती है पता है, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो इसलिए मुझे गाड़ी नहीं मिल रही है। फटाफट से सब्सक्राइब मार दो, फिर देखो मुझे गलार्डो कैसे फटाफट मिल जाती है। वो यहाँ पर एक सुपर कार दिख रही है शायद, ये कौन सी गाड़ी है भाई, 1968 की विंटेज सुपर कार है यार ये तो। सही है भाई सही, नेक्स्ट टाइम तेरे को खरीदेंगे, आज नहीं। ये मशीन देख रहे हो, ये मशीन वही है, पूरी गाड़ी को उठा के ना फुल पूरा बना देती है। इधर एक SUV खड़ी है, ये शायद से Audi होगी, नहीं लैंड रोवर है। तो भाई रेंज रोवर इवोक, अच्छी गाड़ी है यार ये तो। क्या कंडीशन में है यार, शी ये सब देख के ही कितना बुरा लग रहा है। लेकिन लैम्बोर्गिनी पे फोकस करो भाई। तो यार जंकयार्ड में तो मुझे कुछ नहीं मिला, इसलिए मैं ये बान में आया हुआ हूँ। और बान में एक गाड़ी है तो सही, 1978 की बैंडेट है ये। नहीं, इधर पीछे भी है। ओ ये पोर्श है शायद, पोर्श ही है। ये कौन सी वाली है, पोर्श 911 है। ये घासपुस रखा हुआ है इधर, घासपुस के बीच में गाड़ी ढूंढने आया हूं मैं। देखो इस सलून मतलब बाल काटने का होता है ना, वो शोरूम है तो। ओ माय गॉड, और क्या ओ GTR है इधर ऑरेंज कलर में, वो भी क्या एपिक कलर है यार ये तो। भाई कार फॉर सेल में ये गाड़ी बहुत बार चलाई है, और ये जो गेम है ये कार फॉर सेल से 3 साल पहले आई हुई है, फिर भी क्या मस्त दिख रही है ना गाड़ी। चलिए बैठ के देखते हैं GTR में, अपन खरीदने तो नहीं वाला। वाओ यार फुल फीलिंग आ रही है प्रॉपर वाली। इसको चालू करो क्या, अंदर तो चालू नहीं। गियर कितना छोटा है यार इसका, यहाँ पर बोस के स्पीकर लगे हुए है। सही है यार, मेरे को ये खरीदने का मन हो चुका है लेकिन पैसे नहीं है उतने मेरे पास। कलर भी सबसे बेस्ट है यार, अब तक का सबसे बेस्ट GTR कलर है। भाई ये गेम कार फॉर सेल से तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, पता नहीं है ट्रेंडिंग क्यों नहीं है। ओ माय गॉड, दैट वाज सरप्राइजिंग। चलो इसके अंदर बैठ के देखते हैं, मर्सिडीज AMG। वाओ यार इतना रियलिस्टिक तो मैंने कोई गेम में नहीं देखा यार, GTA में भी इतना रियलिस्टिक नहीं है। लेकिन इधर लैम्बोर्गिनी गलार्डो दिख नहीं रही है, ऊपर तो मैं जा नहीं सकता। यहाँ पर एक वेटिंग एरिया है, और पानी पी लेता हूँ थोड़ा। और यहाँ पर सारे गाड़ियों के पेंट कलर्स रखे हुए हैं, ये व्हाइट कलर है, ये मरून, गोल्डन भी है इधर। लेकिन यहाँ पर गलार्डो नहीं है, तो हमें गलार्डो चाहिए, इसलिए हमें गैराज में जाना पड़ेगा। ओ गाइस गलार्डो मिल गई, इसकी कंडीशन तो 3 स्टार है। चले देखते हैं ये एक्चुअल में कैसी दिख रही है।
ओ भाई बहुत खराब कंडीशन है, फुल धूल से पड़ी हुई है और इसका एक हेडलाइट भी गायब है, पूरा फेंडर ही गायब है भाई साइड का पार्ट। ये साइड से तो अच्छी दिख रही है, अंदर से देखते हैं अंदर क्या क्या गायब है। अंदर तो सब कुछ है यार, अंदर भी बहुत धूल लगी हुई है, पूरा साफ करना पड़ेगा ये तो। बाकी ये दरवाजा तो एकदम मस्त चल रहा है, परफेक्ट। इसका मेन पार्ट देखना यार, इसका इंजन, इंजन तो है यहाँ पर और सारे पार्ट्स भी दिख रहे हैं, लेकिन पूरा परफेक्ट नहीं होगा शायद। इंजन भी अच्छा दिख रहा है तो मैं सोच रहा हूँ इस गाड़ी को खरीद लूं मैं यहाँ पर। टायर्स भी एकदम अच्छे हैं, टायर चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ेगा, बस थोड़ा धोना और पॉलिशिंग और थोड़े पार्ट्स रिप्लेस करने पड़ेंगे। वो एग्जामिनेशन मोड है, ओ वाओ पूरी गाड़ी दिख रही है यार ये तो यहाँ से हम सारे पार्ट्स एग्जामिन कर सकते हैं कि सारे पार्ट्स बराबर है कि नहीं। तो कुछ कुछ पार्ट्स यहाँ पर मिसिंग है, तुम देख ही सकते हो, बट ठीक है वो सारे पार्ट्स हम लोग खरीद के लगा देंगे यहाँ पर। बैटरी तो फुल डेड है भाई इस गाड़ी की, मतलब ये चालू नहीं होने वाली है। 2006 की गलार्ड है और ये 173,000 किलोमीटर चल चुकी है। चलो एक काम करते हैं, इसको खरीद ही लेते हैं, ऑक्शन स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। स्टार्टिंग प्राइस सिर्फ 5,000 से शुरू हो रही है भाई, तो स्टार्ट तो करो भाई। वो मैंने बिड कर दिया है भाई, ये इतना फटाफट क्यों बिड हो रहा है यार? अबे 5,000 से 18,000 पहुंच गया यार, क्या ये भाई? एस्टिमेटेड वैल्यू 32 है और इसका प्राइस ऑलरेडी 38 है भाई। 38 में मिली यार मुझे गाड़ी, मतलब ऑलरेडी लॉस में चल रहा हूँ मैं। चलो भाई कार को यहाँ पर रिसीव करते हैं, किधर भेजना है? गैरेज में भेज दे भाई। उससे अच्छा अगर मैं जंकयार्ड में जाता तो मुझे सस्ते में मिल जाती शायद गाड़ी। अभी इस गाड़ी को यहाँ से लिफ्ट पे चढ़ाते हैं, तो कार लिफ्ट के ऊपर आ चुकी है और एक गैरेज देख रहे हो भाई, कितनी सारी चीजें है यहाँ पर। मैं एक्चुअली बहुत टाइम बाद खेल रहा हूँ तो आधी चीजें मैं भूल चुका हूँ। अरे यार इस गाड़ी को धोना था यार, धोने के लिए कहाँ पर डालना है? ये रहा कार वॉश, तो धोने के लिए यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी पानी की टंकियां है और ये वैक्यूम क्लीनर भी है। अच्छा ये इंटीरियर के लिए क्या? एक्सटीरियर किधर है? एक्सटीरियर के लिए ये पावर वॉश है हमारे पास। ये डू यू वांट टू वॉश दिस कार? हाँ भाई कर दो, फटाफट वॉश कर दो। और धीरे धीरे इसका कलर उभर के आ रहा है, ओ माय गॉड चमकने लग गई यार ये तो गाड़ी। पूरी रस्ट हुई थी यार, कितनी चमकने लग गई है। और यहाँ पर ओरिजिनल लैम्बोर्गिनी का लोगो भी दिखने लग चुका है। अंदर से साफ हुई, अंदर से भी हो गई है यार साफ। ओके अंदर से मैंने बोला नहीं था, बट ऑटोमेटिकली साफ हो चुका है, इंजन भी साफ हो चुका है पूरा। फिर भी एक बार इंटीरियर डिटेलिंग कर ही देता है। चलो भाई कर दो इंटीरियर में, और ये कुछ धुआं धुआं छोड़ रहा है अंदर। एंड हो गया, इंटीरियर भी साफ हो गया भाई। अब बैठ के देखते हैं यहाँ पर। आहा पहले कितना धूल पड़ा हुआ था ना, अभी देखो कितनी क्लीन हो गई। ये पानी का पाइप आ किधर से रहा है जरा देखने दो। ओ यहाँ पर नल लगा हुआ है। गाड़ी साफ होने के बाद अब इसको मूव करते हैं। ये पेंट शॉप भी है, लेकिन वो एंड में जाएंगे पेंट शॉप में, सबसे पहले लिफ्ट में लेके जाते हैं। तो सबसे पहले हमें इस पूरी गाड़ी को डिसअसेंबल करना पड़ेगा, उसके लिए ये ऐसे टेक ऑफ होता है। वाह गायब हो गया, तो ये मेरी इन्वेंटरी में आ चुका होगा, ये देखो यहाँ पर आ चुका है। और इसका हेल्थ सिर्फ 33% है, हमें इसको 100% करना है। एक बार ट्राई करके देखते हैं यहाँ पर होता है क्या। ये रहा बॉडी का रिपेयर टेबल, यहाँ पर है और इधर से हम रिपेयर करना शुरू कर सकते हैं। चलो भाई स्टार्ट रिपेयर। एंड अरे यार फेल हो गया, शी भाई 33 से 16% हो गया यार ये तो, मतलब और खराब हो गया। ओ माय गॉड प्रॉपर टाइमिंग करनी पड़ेगी। एंड अरे यार एक के लिए डैम, अरे पूरा पार्ट ही गायब हो गया। चलो कोई बात नहीं, बाकी सब पार्ट्स देखते हैं। इसका हेडलाइट भी आराम से प्यार से निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर फूट गया ना तो हेडलाइट बहुत महंगा आता है। ऐसे एक एक करके ना इसके सारे पार्ट्स निकाल लेंगे। विंडशील्ड भी निकलता है क्या? ओ वाओ, अब ये नीचे के पार्ट निकालने के लिए मुझे गाड़ी लिफ्ट के ऊपर डालनी पड़ेगी। अब इस लिफ्ट को यहाँ से ऊपर करते हैं, ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, हमें फुल गाड़ी के नीचे घुसना है। हाँ ये देखो गाड़ी का इंजन तो इधर है, ये इंजन के सारे पार्ट्स देख सकते हैं हम लोग। देख रहे हो कितना डिटेलिंग है यार ये, सब कुछ एक एक करके मैं उखाड़ने वाला हूँ अभी। ओ तो सबसे पहले पहिए निकालने पड़ेंगे, उसके बाद ही इंजन निकलेगा। तो पहिए निकालने के लिए रिम के स्क्रूज निकालने पड़ेंगे कुछ ऐसे। सारा पहिया निकल चुका है, उसके नीचे ब्रेक आ चुका है भाई। तो यहाँ पर ये स्क्रू जो है ये रस्ट पड़ा है, तो इसके लिए हम लोग एक स्प्रे मारेंगे और ये स्क्रू लूज होके निकल गया। अच्छा वो भी अटका पड़ा है, उधर भी मारो स्प्रे। ए WD-40 था ये तो। तो एक साइड का टायर पूरा निकल चुका है, ऐसा ही सेम हमें चारों बाजू करना है। ये भी स्क्रू टाइट है तो इसके ऊपर स्प्रे मार देंगे एंड निकल जाएगा। कितने बड़े बड़े एग्जॉस्ट है यार इसके तो। अभी स्टार्टर प्लग निकालना है हमें, V8 का स्टार्टर है ये, क्योंकि ये V8 वाला इंजन है। अभी V10 का इंजन है, उसके अंदर V8 का स्टार्टर लगा हुआ था भाई। चलो ये गियर बॉक्स यहाँ पर निकाल लेते हैं, थोड़े बहुत स्क्रू है यहाँ पर, सारे स्क्रू निकाल दे। और गियर बॉक्स हमारे हाथ में आ चुका है। ये गाड़ी का क्लच है, ये क्लच भी निकाल लेंगे। इसके नीचे एक ऑयल पैन भी लगा हुआ है। यू डिड नॉट ड्रेन द, ओ यार वो तो भूल गया था मैं। हमें ना एक्चुअली एक मशीन लानी पड़ती है ऑयल के लिए। वो मशीन हमें गाड़ी के ऐसे नीचे रखनी थी और सारा ऑयल उस मशीन के अंदर आ जाता था। अब क्योंकि मैंने वो मशीन नहीं लाई इसलिए हमें पेनल्टी लग चुकी है। चलो कोई बात नहीं, अभी इस इंजन क्रेन से है ना हम लोग इंजन निकाल लेते हैं। कार 2 हाय, रुको भाई नीचे लाता हूं मैं। ये रहा लाल बटन दबाओ नीचे लाने के लिए, और फिर हम लोग ये इंजन क्रेन यूज करेंगे इंजन को निकालने के लिए। इंजन यहां से तो निकल चुका है और
डायरेक्ट वहां पर पहुंचा है क्या? अच्छा मेरे इन्वेंटरी में आ चुका है। ओके ओके, ये देखो इंजन स्टैंड है यहाँ पर और इसके ऊपर हम लोग इंजन इंस्टॉल कर देंगे। ये रहा गलाडो का इंजन, V10 वाला इंजन है भैया। तो ये इंजन आ चुका है, अब धीरे धीरे हम इस पूरे इंजन को डिसअसेंबल करेंगे। मैं ये पार्ट्स इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि सारे पार्ट्स की हेल्थ 100% करनी पड़ेगी हमें, तो ये हमारी गाड़ी परफेक्ट कंडीशन में निकलेगी। ये स्क्रू थोड़ा टाइट है, चलो भाई स्प्रे मारो WD-40। सबसे पहले हमें इंजन के हेड का कवर निकालना पड़ेगा, ये एग्जॉस्ट भी हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर। भाई जब ये चलता होगा ना तो ये स्प्रिंग फुल ऐसे ऊपर नीचे होती होंगी। और ये सारे अंदर के स्पार्क प्लग्स निकाल रहा हूँ मैं, कितने 10 स्पार्क प्लग है टोटल। ये स्पार्क प्लग से इंजन के अंदर धमाके होते हैं भाई, बहुत बड़े वाले। जितने भी सारे रस्ट के स्क्रूज है ना सबके ऊपर WD-40 लगा दूंगा मैं, फिर एकदम इजिली सारे निकल जाएंगे। फाइनली इंजन हेड यहाँ पर निकल रहा है और ये देखो अंदर सारे पिस्टन है। ये 2 पिस्टन ऑलरेडी दबे हुए हैं और ये 3 ऊपर है, तो इस इंजन को यहाँ पर ऐसे रोटेट भी कर सकते हैं साइड में, तो सारे नीचे के पार्ट्स बाहर दिखते हैं। देखो सारे पिस्टन यहाँ पर दिख रहे हैं भाई। इंजन के अंदर के स्क्रू भी थोड़े बहुत रस्ट हो चुके हैं यार, मतलब गाड़ी की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी। अब एक एक करके मैं सारे पिस्टन निकाल के मेरे इन्वेंटरी में डाल दूंगा। टोटल 10 पिस्टन आएंगे क्योंकि V10 इंजन है, और इसका क्रैंकशाफ्ट भी निकाल लेंगे। सारे पार्ट्स है ना हमारे इन्वेंटरी में आ चुका है ये देखो, और सबकी हेल्थ ये 60-70% के आसपास ही है। और ये सारे पार्ट्स हमें रिपेयर करेंगे यहाँ पर कहीं पर, तो अगर सक्सेसफुल हुआ तो 81% रिपेयर होगा, और अगर फेल हुआ तो 34 पे चला जाएगा, और करंट अभी 69 है। चलो भाई स्टार्ट रिपेयरिंग करते हैं यहाँ पर। एंड ये तो इजी है यार, वो स्टार्टिंग वाले बहुत डिफिकल्ट था यार। तो जब तक 100% होता नहीं है तब तक ये हमें मैचिंग का गेम खेलना पड़ेगा। ये करते करते तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। ओह शिट, पहली बार फेल हो गया यार। चलो चलो कोई नहीं, इस बार सक्सेसफुल हो जाएंगे। ओ सारे पार्ट्स मेरे रिपेयर हो गए क्या? ओ यहाँ पर बम्पर रिपेयर करना है हमें। ओके ये ध्यान से करना पड़ेगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। हेडलाइट भी रिपेयर हो गए भाई। यार अब तो इजी लग रहा है यार मुझे, सारे पार्ट्स एकदम इजिली रिपेयर हो रहा है। अब इस जरा इन्वेंटरी खोल के देखते हैं। देखो सब कुछ 100% हो चुका है सिवाय एक दो चीजों के। इंजन के पार्ट्स देखते हैं। अरे यार ये सब नया लेना पड़ेगा शायद मुझे। तो सबसे पहले मुझे ये आगे का हुड लेना है, खरीदना पड़ेगा नया वाला क्योंकि पुराना वाला मैंने तोड़ दिया। ओ यस ये रही गलाडो यहाँ पर है, और इसके सारे पार्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है डूड। आगे का हुड किधर गया? ये रहा हुड यहाँ पर है। 3 अलग अलग टाइप के हुड है यार। चलो सबसे महंगा वाला लगाते हैं, 15% डिस्काउंट दे रहे हैं भाई, थैंक यू। तो एक काम करते हैं, इन्वेंटरी में सारे बॉडी के जो पार्ट्स है ना वो सब बेच देंगे हम, और सारे नए लगा लेंगे है ना, जैसा हमें चाहिए वैसा हम कस्टमाइज करेंगे। और मैंने रिपेयर करके बेचा है तो थोड़े अच्छे भाव में बिका होगा ये सब। ये रहा पहला डोर, ये रहा दूसरा डोर। ये आगे का बम्पर भी खरीद लेंगे और पीछे का स्पॉइलर भी खरीद लेंगे। ये इंजन कवर भी मिल रहा है यहाँ पर, ये भी खरीद लेंगे। ओ ये वाला दरवाजा मस्त है यार, ये मैं खरीदने वाला हूँ। यहाँ पर 2 टाइप के हेडलाइट है, एक तो सादी वाली है और दूसरी ये ब्लैक टिंट वाली है। मैं सोच रहा हूँ ये ब्लैक टिंट वाली ही खरीद लूँ। ये दोनों लेफ्ट राइट दोनों मिल चुकी है। टेल लाइट भी अलग से मिल रही है यार, टेल लाइट कौन सी लगाऊ मैं? चलो ब्लैक वाली ही लगाते हैं, अगर अच्छा नहीं लगा तो फिर चेंज कर देंगे, पार्टी एक्सचेंज कर देंगे। विंडशील्ड भी नहीं लगानी पड़ेगी यार। और ये पीछे का बम्पर भाई, वैसे तो चारों सेम ही दिख रहा है लेकिन सबसे महंगा वाला खरीद लेते हैं। चलो तो सारे बॉडी के पार्ट्स तो मैंने खरीद लिए है, अब जो जो इसमें से बचा है ना वो सब, हाँ ये टेल लाइट बचा है, ये निकाल के हम बेच देंगे तो थोड़ा पैसा हमारा रिकवर हो जाएगा यू नो। तो लैम्बोर्गिनी में आगे 2-2 ऐसे रेडिएटर आते हैं बड़े वाले, क्योंकि ऑब्वियसली इंजन बहुत गर्म होता है तो कूलिंग तो चाहिए ही। और इसके पीछे भी रेडिएटर आते हैं भाई, 4 रेडिएटर है टोटल। ओ ये सीट भी निकलती है भाई, लेकिन सीट रहने दो यार, सीट मुझे अच्छी लग रही है, जो ओरिजिनल है वही वाली रहने देता है। अभी है ना गाड़ी की वेल्डिंग करनी पड़ेगी, इसलिए ये वेल्डर को मैं इधर मूव कर देता हूँ लिफ्ट के पास, एंड देन इसको यूज करेंगे। आर यू श्योर? हाँ भाई रिपेयर करना ही है, और ये गाड़ी पूरी वेल्डिंग कर देगी अपने आप। तो बॉडी में जो भी रस्ट वगैरह होगा ना वो सब रिपेयर हो जाएगा। हमारा जो टायर है ना वो टायर यहाँ पर बैलेंसिंग भी होता है पता है, इसके ऊपर हम ऐसे टायर रख सकते हैं। अरे टायर भी नए लगवाने पड़ेंगे यार, ऐसे गोल गोल घूम के मशीन है ना रिम में से टायर अपने आप निकाल देती है। ये गया 4th और लास्ट टायर, तो हमारे सारे टायर रिम से निकल चुके हैं। यहाँ पर एक स्प्रिंग पुलर भी था, हाँ बराबर ये भी याद है मुझे। ये जो है शॉक एब्जॉर्बर से स्प्रिंग निकाल देता है। ये सारे जो 100% वाले पार्ट्स है ना ये सारे नए है। लाइसेंस प्लेट भी बेच दो क्या? चलो बेच ही देते हैं, नया लाइसेंस प्लेट लगा देंगे। अब मैं वो बॉडी के सारे पार्ट्स है ना यहाँ पर इंस्टॉल कर देता हूँ। सबसे पहले हुड आ जाएगा यहाँ पर। अबे ये तो आगे वो वाला आ गया, अरे लैम्बोर्गिनी चाहिए था यार आगे। चलो ये भी ठीक है, कोई तो पिंक कलर का बंदर दिख रहा है शायद। चलो ये हेडलाइट भी डाल देता है ऐसे। ओ वाह अच्छी दिख रही है, अभी से ही अच्छी दिख रही है। हाँ कलर थोड़ा अलग है, ब्लैक है और पीछे रेड है, वो बाद में हम चेंज कर देंगे। फ्रंट बम्पर भी खरीदा हुआ है, ये भी ब्लैक में आ गया यार। ये लेफ्ट डोर भी लगा दिया और इसके ऊपर एक मिरर भी आ जाएगा। ये फेंडर जो पहले बिल्कुल भी नहीं था उसको भी लगा देंगे, और पीछे यहाँ पर बम्पर भी आता है। ओके 2-2 बम्पर लग सकते हैं यहाँ पर।
वो अच्छा वो लाइसेंस प्लेट था क्या? नहीं, तो वो बाद में लगाना है लाइसेंस प्लेट, पहले तो पीछे वाला बम्पर लगाना है, फिर ये टेल लाइट हम लगा देंगे फुल ब्लैक वाली। यार मस्त दिख रही है ये ब्लैक वाली। अरे यार क्रेन तो बीच में ही खड़ा हो गया, तू जा अपनी जगह पे चला जा, ठीक है जा। और ये राइट में भी हम टेल लाइट लगा देंगे, टेल लाइट भी मस्त दिख रही है यार। ये ट्रंक भी हमने खरीदा था, ट्रंक का कवर भी खरीदा था। अबे चलो कोई बात नहीं, पहले ट्रंक लगा देते हैं ऐसे, और फिर इसको खोल के इसके ऊपर कवर लगा सकते हैं। ये रहा इंजन कवर भाई, ये कवर लगा। ओह माय गॉड क्या मस्त दिख रहा है ना, फुल लैम्बोर्गिनी लिखा है भाई दोनों साइड पे। और फिर इसके बाद ये ट्रंक बंद कर देंगे। एक मिनट विंडो बाकी है क्या? अरे खरीदा हुआ है भाई, विंडो भी लगा दो। चलो अब इस ट्रंक को यहाँ पर बंद कर दो आराम से एकदम। ये हम लोग राइट डोर भी लगा देंगे ऐसे। और ये नीचे का पार्ट मैंने खरीदा है क्या? ओ खरीदा हुआ है। ये राइट फेंडर भी चला गया, और ये विंडशील्ड भाई विंडशील्ड भी चले गई, फुल ब्लैक कलर की है। एंड ये हमारी कार की बॉडी हो चुकी है, मतलब ऑब्वियसली पेंट शॉप में जाके अभी से ही पेंट शॉप में भेज दो क्या? एक काम करता है, किधर है पेंट शॉप? ये रहा यहाँ पर भाई। कौन सा पेंट करना है चलो देखते हैं जरा। यहाँ पर बहुत सारे पेंट्स है यार, प्रीवियसली यूज्ड। ये तो मेरी ह्यूरिकेन पे ऑलरेडी लगा हुआ है। वो कमिलियन मतलब चेंज हो रहा है, देखो येलो भी और ऑरेंज भी हो रहा है। यहाँ पर नीचे कुछ तो लिखा हुआ है, सुपर लेगर भाई। कमिलियन तो अच्छी दिख रही है यार, लेकिन वो क्रोम तो और भी मस्त दिख रहा है भाई। पर्ल भी अच्छा है यार, पर्ल भी रख सकते हैं। क्रोम सबसे बेस्ट दिख रहा है यार, कुछ भी बोलो। रेड कलर की क्रोम गलाडो भाई एपिक दिख रही है। ये ग्रीन में देखो क्या, ओह भाई ग्रीन भी एपिक दिख रहा है यार। एक काम करते हैं ऑरेंज ही रखते हैं, क्योंकि वो निसान GTR मैंने देखी थी ना ऑरेंज में, तब से मुझे ऑरेंज ही पसंद आ रहा है। वो निसान GTR ये वाले कलर में थी, सेम ग्लॉस कलर में, तो इसको ग्लॉस में ही रखते हैं ना। चलो एंटर दबा के कार को कर दो पेंट, एकदम मस्त हो गया भाई पेंट गाड़ी। हो गया क्या? आहा मस्त दिख रही है यार। यार ये साइड मिरर पेंट नहीं हुआ है, वो भी करना है मुझे। ये दरवाजा इधर बीच में टूटा हुआ नहीं लग रहा है भाई? नया दरवाजा लगाया था यार मैंने। चलो गाड़ी पेंट हो चुकी है अब सीधे। ओह वाओ मस्त दिख रही है यार, बहुत ज्यादा ब्राइट है ये कलर। हमें सबसे पहले कार के पार्ट्स खरीदने पड़ेंगे जो कि हमने बेच दिए थे, क्योंकि हम यहाँ पर नए खरीदने वाले थे। तो एक एक करके मैंने सारे पार्ट्स यहाँ पर शॉपिंग लिस्ट में डाल दिए है, वैसे ही करके हम खरीदते रहेंगे सारे पार्ट्स। ओ ये मफलर मस्त है यार। और गाड़ी के लिए मुझे टायर भी खरीदने पड़ेंगे। सबसे बेस्ट टायर कौन सा है यार इसमें से? सबसे महंगा वाला लेता है भाई। लैम्बोर्गिनी पे ऑफ रोड तो नहीं लगाऊंगा मैं, रेस टायर लगा सकता हूँ मैं। ये जो यहाँ पर रेड कलर का दिख रहा है ना, ये वाला, हाँ ये मस्त है भाई। सबसे पहले हमारा व्हील यहाँ पर असेंबल करने जा रहे हैं हम लोग। 19 इंच के व्हील है भाई। इस व्हील को हम लोग यहाँ पर बैलेंस भी करेंगे थोड़ा बहुत। अच्छा तो हमें ये आने तक बीच में ऐसे एडजस्ट करना है। हो गया भाई, व्हील बैलेंसिंग तो इजी यार, एकदम इजी है। तो पहला व्हील हमारा तैयार हो चुका है, तो सबसे पहले यहाँ पर इंजन असेंबल करना शुरू करते हैं। सारे नए पार्ट्स लगाएंगे हम लोग, सारे पार्ट्स रिपेयर करके लगाएंगे। V10 का इंजन है इसलिए 10 पिस्टन खरीदेंगे हम। सारे पिस्टन ऐसे एक एक करके लगा देंगे भाई, बहुत मजा आ रहा है इसमें तो। और इन पिस्टन को यहाँ पर रॉड कैप लगा के ऐसे स्क्रू के साथ टाइट कर देंगे। ये जो इंजन है ना, ये गाड़ी का दिल है भाई, दिल। इसी की वजह से गाड़ी 300 की स्पीड के ऊपर जाती है, और इसलिए ये पार्ट तो हमारा सबसे स्ट्रांग ही होना चाहिए भाई, 100% कंडीशन में होना चाहिए। क्योंकि अगर इसमें कुछ रस्ट विस्ट आ गया ना, तो गाड़ी के परफॉर्मेंस पे अफेक्ट कर सकता है। अब इस इंजन को थोड़ा सा रोटेट करो भाई, क्योंकि ऊपर का पार्ट लगाना है हमें। वो इंजन हेड है मेरे पास, चलो ठीक है, तो नया खरीदना नहीं पड़ेगा। एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड शायद से वो है मेरे पास। ओके ये सारे पार्ट्स है ना मैंने रिपेयर किए थे, ये पहले फुल रस्ट हो चुके थे, अभी देखो कैसे मस्त चमक रहे हैं। और अब ये आर्म्स लगाने के बाद इसके ऊपर आएगा हेड कवर, और ये फाइनली अपना इंजन तैयार हो चुका है। इसके ऊपर फाइनली एक इंटेक मैनिफोल्ड जाने वाला भाई। कितना बड़ा इंजन बन चुका है यार ये, कितने सारे स्क्रूज लाइन में खड़े है भाई। हमको घुमाओ, हमको भी घुमाओ। फाइनली उसके अंदर फ्यूल रेल डालते हुए इसके अंदर से पेट्रोल स्प्रे होता है इंजन के अंदर। ये रहा हमारा थ्रॉटल, जो कि हमारा इंजन का पावर को कंट्रोल करेगा। ये लो शुत्री कंपनी का फ्यूल फिल्टर हमने डाल दिया है। ये हम इंजन की टाइमिंग चेन और उसका कवर लगाते हुए, भाई बहुत बड़ा कवर है। तो भाई इस गाड़ी को सर्विस करने में कितनी मेहनत जाती होगी भाई, कितने सारे पार्ट्स है, मैं लगाते लगाते थक गया। ये फुल साफ वाली बेल्ट हमें खरीदनी पड़ेगी। ये रहा ट्रांडो कंपनी का साफ है ये, शायद से पूरा इंजन कम्प्लीट हो चुका है। तो इस इंजन को यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, और सीधा गाड़ी में बिठाने के लिए हमें ये क्रेन लाना पड़ेगा यहाँ पर, और इस क्रेन के अंदर हम लोग इंजन इंस्टॉल कर देंगे। ओह सब कुछ 100% है भाई, गाड़ी में लग चुका है इंजन। ओके नीचे से दिख रहा है क्या? हाँ भाई दिख तो रहा है इंजन। इंजन के साथ ही हम लोग ये एग्जॉस्ट भी लगा देंगे, और ये पीछे का मफलर भी लगा देंगे। ये देखो रेयर मफलर है यहाँ पर, और गियर बॉक्स भी है भाई। गियर बॉक्स तो मेन है हमारा, उसके बिना गियर कैसे डालेंगे भाई। चलो गियर बॉक्स भी लग चुका है यहाँ पर, एंड ये स्टार्टर भी लगा देंगे, इसके बिना इंजन ही नहीं चालू होगा भाई। और फाइनली हमें यहाँ पर टायर लगाने का ऑप्शन मिल चुका है। 19 इंच के टायर्स है भाई, 19 इंच के टायर मैंने बिठा दिए यहाँ पर, और तुम देख सकते हो एकदम ही पतले टायर्स है यार। 19 इंच छोटा नहीं लग रहा है भाई, मतलब और बड़े टायर्स लगाने पड़ेंगे क्या? एक मिनट इसको नीचे करके देखता है, एकदम छोटा तो नहीं लग रहा है ना, क्योंकि फिर बहुत गंदा लगेगा भाई ये टायर। ये भी ये बहुत बड़े टायर है भाई, तो हमें ये वाले टायर लगाने हैं, 245/30R20 वाले। तो सैडली ये
वाले टायर हमें ना निकालने पड़ेंगे, इसको मैं बेच दूंगा यहाँ पर। हाँ भाई 887 में बिक गए, तो यहाँ पर 20 इंच के टायर होंगे, विथ होंगे 245 और प्रोफाइल होगा 30। ऐसे टोटल हमें 4 खरीदने हैं और हमें रिम्स भी खरीदनी पड़ेगी, राइट। ये रहा ये वाला रिम, मैंने पिछली बार चूज किया था, हमें 20 के लिए चाहिए रिम। एंड एक एक टायर को हमें यहाँ पर बिठा के इंस्टॉल करना पड़ेगा। इस बार टायर अच्छा दिख रहा है ना, जाड़ा जाड़ा दिख रहा है, क्योंकि पिछली बार टायर बहुत ही पतला दिख रहा था। इस टायर को हम लोग यहाँ पर बैलेंस भी कर लेते हैं। अभी इसको निकाल के ना यहाँ पर लगा देते हैं, फिर देखते हैं कि ये कैसा दिख रहा है। सारे स्क्रूज एकदम अच्छे से लगा देंगे एंड अभी अच्छा दिख रहा है, पिछली बार से तो अच्छे ही दिख रहा है। तो चलो फाइनली बाकी के जो टायर है ना उनको भी असेंबल कर ही देते हैं। अभी फटाफट से सारे टायर लगा देंगे। वो इसका सस्पेंशन लगाना बाकी है क्या? ओके टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, सब लगा के दूंगा मैं। ओ भाई गाड़ी को ऊपर उठाना पड़ेगा क्योंकि हमारे सारे सस्पेंशन लगाने बाकी है। वो नीचे इतनी बड़ी मेटल की प्लेट भी है यार, सेफ्टी के लिए भाई बहुत जरूरी है, ताकि पत्थर बित्थर उड़ के अंदर यू नो नुकसान ना कर दे। इस गाड़ी में वेंटिलेटेड ब्रेक डिस्क आती है भाई, देख रहे हो कितनी बड़ी डिस्क ब्रेक है। हाँ भाई इतनी पावरफुल गाड़ी है भाई, रुकने के लिए पावरफुल ब्रेक्स तो चाहिए ही। ये आगे का शॉक एब्जॉर्बर यहाँ पर लग चुका है और इसके साथ हम लोग स्टीयरिंग व्हील भी यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। चलो आगे के साइड में भी टायर लगा देते हैं। फाइनली ये टायर लग चुका है। ये साइड व्यू देखो यार, क्या एपिक दिख रही है ना गाड़ी। एंड गाइस पूरी गाड़ी फाइनली रेडी हो चुकी है। ये देखो पीछे भी एक कूलर लगा हुआ है यार, कितने सारे कूलर है यार इसमें। यहाँ पर आगे एक मस्त डिक्की लगी हुई है, डिक्की के अंदर हमें बैटरी भी डालनी है। और ये पीछे हमें ट्रंक खोल के ना यहाँ पर एयर इनटेक डालना है। ये देखो एयर फिल्टर यहाँ पर दो लगेंगे, दोनों 100% कंडीशन में है, मतलब पूरा साफ ही है। और पीछे दो रेडिएटर भी लगेंगे, ये पहला वाला लग चुका है और कुछ बाकी बचा है, और कुछ तो दिख नहीं रहा है बचा हुआ। ये कूलेंट रिजर्वायर है, इसके अंदर एक्चुअली है ना हमें कूलेंट भरना है। चलो भाई सारे पार्ट्स तो फाइनली, अरे एक मिनट, विंडशील्ड वॉशर रिजर्वायर बाकी है। अरे इसके अंदर वो विंडशील्ड का पानी जाता है विंडशील्ड साफ करने के लिए, जो वाइपर के ऊपर निकलता है वो भी लग चुका है, उसके अंदर पानी भी भरना पड़ेगा। मतलब चलो कैप निकाल के ये लो, हमने पानी भर दिया विंडशील्ड के लिए। और ये लैम्बोर्गिनी की विंडशील्ड है इसलिए इसमें स्पेशल टाइप का पानी आता है, थोड़ा शैम्पू मिला के आता है और कुछ नहीं। चल हो गया क्या? अरे बस हो गया भाई, बाहर निकल जाएगा। चलो भाई बंद कर दो कैप को। उसके साथ ही हमें ऑयल भी भरना पड़ेगा और एक कूलेंट भी भरना पड़ेगा। एक मिनट, एक कूलेंट है ना 100% कंडीशन में नहीं है, तो इसको हम लोग को साफ करना पड़ेगा। थोड़ा साफ नहीं कर सकते तो एक काम करते हैं, बेच ही देते हैं कूलेंट को और क्या, और उसके जगह पर एक नया वाला कूलेंट रिजर्वायर खरीद के ऐसे लगा देंगे। ये लो लग चुका है भाई, ये लो कैप खोल दिया है और एक कूलेंट आ चुका है। चलो भाई भर दो कूलेंट को, वो ग्रीन कलर का है ये। हाँ कूलेंट ग्रीन कलर का ही होता है। किधर तक भरना है भाई, मैक्स लेवल लिखा ही नहीं है। चलो इतना बहुत हो गया, अगर ओवरफ्लो हो गया तो फिर से प्रॉब्लम हो जाएगी भाई, साफ कौन करेगा भाई। इंजन ऑयल भी डालना होता है ना जहां तक कि मुझे पता है। ये रहा ऑयल का यहां पर है, वो ऑयल पैन ही मिसिंग है भाई। ओके V10 MT8 वाला ऑयल पैन चाहिए हमें, तो V10 वाला, हाँ ये वाला मिल गया भाई। चलो इस गाड़ी को है ना बाहर मूव करके देखते हैं कि ये चलता है कि नहीं। ओ माय गॉड क्या ही एपिक दिख रहा है ना भाई, लैम्बोर्गिनी गलार्डो। ये रही ह्यूरिकन और ये रही गलार्डो। इसके गोल्डन टायर्स है, लेकिन इसके गोल्डन करेंगे तो फिर गंदा दिखेगा, इसलिए नॉर्मली अच्छे है। चालू होता है क्या? देयर इज नो ऑयल। ओ भाई मेरे को लगा ही था ये। अभी इसमें ऑयल डालने के लिए मुझे इसका गियर बॉक्स और वो सब कुछ निकालना पड़ेगा, और ऑनेस्टली मैं बहुत पक चुका हूं अभी। तो ये गाड़ी चालू होने तक तुम ये वाला वीडियो देखो, एंड हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक लाइक गुड बाय।